अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों को हुक की काजे की पट्टी और गले की पट्टी किस तरह लगाते हैं ब्लाउज में वो तरीका बताऊंगी। देखिए, मैंने सीधे हाथ के तरफ का हिस्सा लिया हुआ है फ्रंट साइड का, तो ये राइट हैंड का साइड है। इस पर हम इसका साइज मापते हुए ये जितना साइज है इसमें से 1 इंच बड़ा ले लेंगे और चौड़ाई में मैंने 1.5 इंच लिया हुआ है। तो इसे सीधे कपड़े पर रखते हुए हम हुक की पट्टी लगाएंगे। फ्रंट के हिस्से में हम इसे 1.5 इंच की चौड़ी पट्टी लेंगे। ये हुक की पट्टी है, हुक की पट्टी राइट हैंड में आती है। अब इसे इस तरह ओपन रख लेंगे पट्टी को, और ओपन रखते हुए इस तरह इसके ऊपर सिलाई ले लेंगे खुला रखते हुए। देखिए, थोड़ा सा कपड़ा हमें इधर एक्स्ट्रा रखना है। अब हम इसे उल्टा करते हुए, सीधे कपड़े पर हमने ये पट्टी लगाई हुई है, अब इसे उल्टा करते हुए जो भी हमने एक्स्ट्रा कपड़ा रखा हुआ है नीचे की ओर उसे इस तरह मोड़ते हुए हम इसमें डबल फोल्ड कर देंगे, यानी कि हमारी पट्टी बाहर की ओर नहीं दिखना चाहिए। इस तरह हम राइट हैंड की पट्टी लगाएंगे। ये हो गई हुक की पट्टी। देखिए, इस तरह ये हुक की पट्टी पूरी अंदर की तरफ मुड़ती है, बाहर इसमें बिल्कुल भी कपड़ा नहीं दिखता है। इसे हमने सिर्फ अस्तर के कपड़े पर लिया हुआ था। अब हम काजे की पट्टी लगाएंगे लेफ्ट हैंड के साइड, और उल्टे कपड़े पर से लगाएंगे। देखिए, ये हमारा काजे की पट्टी है, ये उल्टे कपड़े पर हमने लेना है। मैंने यहाँ पर पट्टी कट करके रखी हुई है। जो हमारा ऊपर का कपड़ा है, यानी कि सीधी तरफ का जो कपड़ा है, उस तरह हमने यहाँ पर साइज के हिसाब पर थोड़ी सी बढ़कर लेते हुए पट्टी को लिया है, और चौड़ाई में हमने 4 इंच लिया है। लंबाई में यहाँ पर हुक की पट्टी का हिस्सा माप कर लिया हुआ है। हमने इसमें अस्तर भी थोड़ा सा लगा देना है, तो अंदर की तरफ हम अस्तर रखेंगे। ये काजे की पट्टी है, इसे लेफ्ट हैंड से हम उल्टे कपड़े पर रखते हुए लगाएंगे सिलाई। अब इसे भी हम हुक की पट्टी की तरह खोलते हुए इधर चपटी सिलाई ले लेंगे इसके अंदर। इस तरह हम जो ज्यादा कपड़ा हो रहा है उसे थोड़ा सा कपड़ा एक्स्ट्रा रखते हुए, यानी कि 1/2 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा रखते हुए कट कर देंगे, और इसे फ्रंट साइड में लेना है। तो इसे हम नीचे की तरफ से इधर से फोल्ड करते हुए थोड़े से कपड़े को मोड़ देंगे। हमें पूरा पट्टी अंदर की ओर नहीं मोड़नी है, थोड़ी सी पट्टी अंदर की ओर मोड़नी है, और इसे 2 पॉइंट कपड़े को मोड़ते हुए हम इस पर सिलाई लगा लेंगे। आप अपनी चौड़ाई के हिसाब से इस पर पट्टी रख सकते हैं, कम पट्टी भी रख सकते हैं और ज़्यादा पट्टी भी रख सकते हैं। मैं बाहर की तरफ 1.5 इंच की चौड़ाई रखूंगी। देखिए, इस तरह हम नीचे के कपड़े को थोड़ा सा अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए इस पट्टी को जो हमने 4 इंच की ली थी अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे, और इसे फिर दोबारा फोल्ड करेंगे। लेकिन हम इसे पूरा अंदर की तरफ नहीं फोल्ड करेंगे, एक्स्ट्रा पट्टी हमारी बाहर की तरफ होनी चाहिए। इसे रखते हुए हम किनारे पर सिलाई लगाएंगे इस तरह। ये पट्टी हमारी बाहर की ओर है, ये काजे की पट्टी हो चुकी है। इसमें हम गैप देते हुए और एक सिलाई ले लेंगे। देखिए, ये काजे की पट्टी हो चुकी है। हमने 2 गैप जो दिया हुआ है सिलाइयों के बीच में, वहां पर हमारा काजा आएगा। ये हो गई काजे की पट्टी। अब हम इसके गले की पट्टी बताएंगे। देखिए, गले की पट्टी लेने के लिए हमें ये जो हमने कपड़ा लिया हुआ है, बचा हुआ कपड़ा है, ये सीधे तार में इस तरह है, और ये चौड़ाई के और ये लंबाई के तार में है। लेकिन हमें इसे क्रॉस करते हुए कट करना है, यानी कि टेढ़ा कट करना है क्रॉस तार में। 1 इंच की पट्टी हम इसमें कट कर लेंगे। आप टेप से माप कर भी ले सकते हैं। तो इस तरह मैं क्रॉस कपड़े में 3 से 4 पट्टियाँ कट कर लूँगी गले को लगाने के लिए। देखिए, मैंने 3 पट्टियाँ कट कर ली हैं क्रॉस तार में, जिस तरह हम डोरी बनाते हैं बिल्कुल उसी तरह। अगर आप सीधी पट्टी लेंगी तो आपकी पट्टी में फिनिशिंग नहीं आएंगी। अब हम इन पट्टियों को जोड़ लेंगे।
देखिए हमने ये तीनों पट्टियों को ज्वाइंट कर लिया है बीच में से। अब हम लेफ्ट हैंड यानी कि उल्टे हाथ की तरफ से सीधे कपड़े को रखेंगे ब्लाउज के, और इसे थोड़ा सा कपड़ा यानी कि आधा इंच से भी कम इस कपड़े को बाहर की तरफ छोड़ते हुए हम इस पट्टी को खींचकर पकड़ेंगे। ब्लाउज को नहीं खींचकर पकड़ना है, हमारी पट्टी में या पाइपिंग में फिनिशिंग आने के लिए हमें ये क्रॉस तार की पट्टी को ही खींचकर पकड़ना है इस तरह। और टू पॉइंट कपड़ा यानी कि दो काढ़ी कपड़े को लेते हुए हमें सिलाई कर लेनी है। देखिए पूरी पट्टी कंप्लीट होने तक हमें इस तरह टाइट ही पकड़ना है पट्टी को, टाइट पकड़ते हुए हमें सिलाई करना है। लेफ्ट हैंड के साइड से हम राइट हैंड के साइड, लेफ्ट से राइट गले तक हमें इसी तरह पट्टी लगा लेनी है कंप्लीट, और इसे थोड़ा सा एक्स्ट्रा रखते हुए हमें कट कर देना है पट्टी को। देखिए इतना कपड़ा ज़्यादा हो रहा है तो मैं थोड़ा सा रखते हुए इसे कट कर रही हूँ। देखिए हम इस पर सिलाई लगाने के बाद इसे इस तरह कट लगा लेंगे पूरी पट्टी पर। कट लगाने से हमारी फिनिशिंग और ज़्यादा अच्छी आती है, तो इसी तरह पूरी पट्टी पर हम कट लगा लेंगे। जहाँ भी गोल है हमारा वहाँ पर कंपलसरी है कट लगाना, इस तरह पट्टी में कट होना चाहिए। राइट साइड में आप कट नहीं भी लगाएंगे तो चलता है, लेकिन जहाँ भी राउंड है वहाँ आपका कट लगाना ज़रूरी है। अब जो एक्स्ट्रा कपड़ा हमने रखा था उसे अंदर की तरफ मोड़ते हुए पट्टी को फिर दोबारा हम अंदर की तरफ मोड़ेंगे, लेकिन सिलाई हम सीधे कपड़े पर से ही लेंगे। इस तरह हम सिलाई बिल्कुल सीधे कपड़े पर ही पट्टी को अंदर की तरफ मोड़ते हुए सिलाई लेंगे। ये हमारी तुरपई की पट्टी है। इसे फिर हमें अंदर की तरफ पलटी करते हुए तुरपई की पट्टी बनाना है। देखिए इस तरह हम इसे पूरा कंप्लीट इसी तरह अंदर पकड़ते हुए, थोड़ा सा कपड़ा यानी कि टू पॉइंट कपड़ा हमारा बाहर की तरफ दिखना चाहिए, इतना ही कपड़ा रखते हुए हम पूरी सिलाई ले लेंगे इसमें। देखिए ये कितनी बारीक पट्टी आई है इस तरह। अब हम इसे तुरपाई करते वक्त अंदर की तरफ जो भी पट्टी हमने लगाई थी दो टू पॉइंट उतनी, इसे अंदर की तरफ इस तरह मोड़ते हुए तुरपाई करेंगे। तो ये था तुरपाई की पट्टी लगाने का तरीका, हुक और काजे की पट्टी लगाने का तरीका। ये वीडियो मैंने हमारे सिलाई क्लास सीखने वाले बच्चों के लिए बनाई हुई है, ताकि वो जब घर में ब्लाउज स्टिचिंग करें तो उन्हें इस तरीके से पट्टी लगाने में इजी हो जाए। मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।